मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 इयर्स। जब हमें या अपने पार्टनर को सेक्स करना होता है लेकिन फ्रिक्शन की वजह से सेक्स थोड़ा पेनफुल हो जाता है और हमारी डिजायर थोड़ी कम हो जाती है, तो डॉक्टर हमें लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन हम बेबी के लिए भी ट्राई करते रहते हैं, इसीलिए हमें नेचुरल लुब्रिकेंट की ज़्यादा नीड महसूस होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा ऐसा नेचुरल लुब्रिकेंट है जो हमारे लिए इफेक्टिव साबित हो सकता है और जब हम कंसीव करना चाहते तो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, वो स्पर्म फ्रेंडली रहता है। तो जब हम नेचुरल लुब्रिकेंट्स के बारे में सोचते हैं तो पहला नाम आता है एलोवेरा। एलोवेरा ये एक प्लांट होता है और एलोवेरा प्लांट सिर्फ कट करने से उसकी जेली बाहर आ जाती है और ये जेली आप डायरेक्टली इंटरकोर्स के दौरान यूज कर सकते हो। जब हम एलोवेरा की बातें करते हैं तो उसकी जो हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है वो उसको स्पेशल बनाती है। एलोवेरा अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एकदम सॉफ्ट रखता है, उसका हाइड्रेशन बनाए रखता है, उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी बनाए रखता है और इसीलिए सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो स्मूथ ग्लाइड होना चाहिए, प्लेजरेबल ग्लाइड होना चाहिए, वो एलोवेरा की इस्तेमाल से अच्छा होता है। एलोवेरा में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहती है, इसीलिए जो इन्फ्लेमेशन, सूजन, डिस्कम्फर्ट रहता है उसको कम करने में वो मदद करती है। एलोवेरा में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रहती है यानी कि इन्फेक्शन को रोक देती है, इसीलिए हमारे पेल्विक इन्फेक्शन, पेनाइल या वजाइनल इन्फेक्शन की रिस्क भी कम हो जाती है। इससे स्टेनिंग नहीं होता, इसीलिए हमारे कपड़े खराब नहीं होते, बेडशीट्स खराब नहीं होती। ये नेचुरल है, ये हम नेचुरली ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए जो इसमें केमिकल एडिटिव्स और इरिटेंट्स नहीं है तो हमारे लिए ये एलर्जी या इरिटेशन क्रिएट नहीं करता। जब हम एलोवेरा एज ए लुब्रिकेंट इसके डिसएडवांटेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहला है ये जल्दी ड्राई आउट होता है, इसीलिए हमें बार बार वो लगाना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज है हमें नेचुरल एलोवेरा कभी मिलता नहीं है तो हम बाजार के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें एडिटिव्स रहते हैं, इरिटेंट रहते हैं, वो हमें तकलीफ देते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है कि ये अपनी पीएच, वजाइनल पीएच चेंज कर देता है। जैसे मैंने पहले ही बताया एलोवेरा जेल को एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रहती है यानी कि वो इन्फेक्शन को या जंतुओं को, बैक्टीरियाज को मार गिराता है, लेकिन ये वजाइनल पीएच भी चेंज कर सकता है और जब वजाइनल पीएच चेंज होता है तो वजाइनल इन्फेक्शन की संभावना भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इन जनरल जब हम एलोवेरा के बारे में बात करते हैं तो ये सूदनिंग, जेंटल लुब्रिकेंट है। जब ये नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पर्म फ्रेंडली भी होते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी, वायबिलिटी वो बनाए रखते हैं, इसीलिए जब हम कंसीव करना चाहते हैं तो नेचुरल फॉर्म का एलोवेरा जब हम एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो ये कंसेप्शन के लिए भी हिंडरेंस नहीं होता, आप सेफली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया क्या एलोवेरा ये आइडियल नेचुरल लुब्रिकेंट हो सकता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये गायनिक, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।